भारतीय न्याय संहिता अब देश भर में लागू हो गई है और सोमवार को नए कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर के थानों और पुलिस मुख्यालयों पर जागरूकता के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां DIG ललित शाक्यवार, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एडिशनल SP विक्रम सिंह सहित DPO प्रवेश अहिरवार की उपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक भारतीय न्याय संहिता की उपयोगिता को पहुँचाने की कोशिश हुई। कार्यक्रम के दौरान SP, DIG और DPO ने इन कानूनों पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। आज जो नए कानून और नए समाधान, उसके अनुसार आज छतरपुर में और छतरपुर के साथ सभी सागर संभाग के सभी थानों में ये एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें जो IPC जो 1860 की थी, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। जो हमारी CRPC थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था, उसमें अभी BNSS को लागू किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और उसी तरह भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया गया। इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पत्रकार बंधु, सभी गणमान्य नागरिक, सभी लॉयर्स और सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को इसके द्वारा बताया गया कि अब पहले कौन सी धाराएं होती थी और अब कौन सी धाराओं के अंतर्गत कानून अपना काम करेगा। पहले जो दंड वाली व्यवस्था थी, अब उसको न्याय से जोड़ा है कि जिससे कि लोगों में एक भय व्याप्त नहीं हो। न्याय मतलब और न्याय के साथ सुरक्षा भी जोड़ी गई है, और पुलिस कर्मियों का ये काम है कि उसके अनुसार सही धाराओं में अब आगे से रात को आज 12 बजे से जो भी FIR होगी, जो भी कंप्लेंट आएगी, वो नए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित की जाएगी। महिलाओं को लेकर भी काफ़ी सुधार किए गए हैं, और महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मी, जैसे पहले भी होता था माननीय न्यायालय के सामने, भी अब महिला मजिस्ट्रेट होंगी। अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं है, पुरुष हैं, तो पुलिस के सामने भी जैसी वो बात होती, तो महिला का रहना बहुत आवश्यक है। कुछ धाराओं में, जैसे पहले 363 की जो कार्रवाई होती थी, उनको अलग से नई उसमें धाराओं में समाहित किया गया, जिससे कि महिलाओं में सुरक्षा और न्याय की भावना बढ़ेगी।